ये एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन है बेसिकली, जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनको आज बताया गया है कि भाई क्या क्या इसके नुकसान हैं और उन सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। और मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ इसमें मिलेनियम स्कूल के स्टूडेंट्स को। और इसके बाद ये सभी बच्चे अलग अलग जो हैं जो चौक हैं चौराहे हैं उनको कवर करेंगे और लोगों को आज 3 बजे तक सेंसिटाइज करेंगे। नेचुरली, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर ड्राइवर्स भी होने वाले हैं, और अगर ये संदेश देते हैं तो एक अच्छा फीडबैक जाता है सोसाइटी में कि ट्रैफिक वायलेट जो हैं वो नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, तो हरियाणा और जो पंजाब है वो लीडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा डेथ जो होती हैं वो रोड एक्सीडेंट से होती हैं, ना कि मर्डर से। अगर आप पूरे इंडिया का भी डाटा देखें तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो GDP का जो काफ़ी लॉस है वो ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ GDP तो इसी में लॉस हो जाता है। तो ये एक अच्छा कैंपेन है और हरियाणा पुलिस भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ देश भर में साल की शुरुआत में ट्रैफिक वीक जो है मनाया जाता है, वहीं आज करनाल के मिलीनियम स्कूल की तरफ से करनाल पुलिस के साथ मिलकर एक सराहनीय पहल की गई। और आप इस समय तस्वीरें अम्बेडकर चौक करनाल से देख सकते हैं, जहाँ पर आज मिलीनियम स्कूल के छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जो है ट्रैफिक ताऊ के साथ एक जागरूकता भरा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग यहां पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनको जो है गुलाब का फूल दिया जा रहा है। तो आप तस्वीरें समय अंबेडकर चौक करनाल से देख सकते हैं, मिलीनियम स्कूल की तरफ से आज शहर भर में एक इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हेलमेट डालकर भी जा रहे हैं उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है, उनको प्रेज किया जा रहा है कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो अच्छी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो है हमारे साथ हैं और स्कूल की प्रिंसिपल है उनसे जानते हैं। मैं वहाँ बताएं, आज मिलीनियम स्कूल की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, क्या कहना चाहेंगे पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान जो चलाया गया है? देखिए, ये अभियान हमारा तो वैसे पूरा साल ही चलता है, बच्चों को हम समझाते रहते हैं, लेकिन आज एक खास उद्देश्य से हम बाहर निकले हैं ताकि करनाल के लोगों को, करनाल वासियों को भी हम बच्चों के माध्यम से ये समझाएं कि जिंदगी और जीवन कितना अनमोल है और उसकी रक्षा करें, अपने जीवन की भी और दूसरों के जीवन की भी, बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। तो हम स्कूल के प्रिंसिपल से जो है बातचीत कर रहे थे और कुछ एक बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटा, आप बताएं, आप एक जेब्रा क्रॉसिंग का जो है संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज अभियान चलाया गया? जी, जब हम जेब्रा क्रॉसिंग पे बिल्कुल लोग नहीं रुकते, जब लाल बत्ती आती है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे दूसरे लोगों को जाने देना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खुद नहीं निकलना चाहिए। तो ये आपने देखा कि करनाल पुलिस के साथ मिलकर मिलीनियम स्कूल ने एक सराहनीय पहल की है और शहर भर में आज ट्रैफिक नियमों के प्रति छोटे छोटे स्कूली बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर और गुलाब का फूल देकर जो है एक जागरूकता भरा संदेश दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें जो है आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जागरूक करना चाहती हूँ कि लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, और वो फॉलो करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कैसे ज़िंदगी बचती है और लोगों की भी ज़िंदगी बचेगी उनके ट्रैफिक रूल फॉलो करने से। मेरा नाम विशाखा। लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए चला रहे हैं क्योंकि आज के बच्चे जो हैं कल के भावी नागरिक हैं, और अगर ये आज ही ट्रैफिक रूल्स को सीख लेंगे तो जो रोज़ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने मिसहैप्स होती हैं, इतनी मिसहैपनिंग्स होती हैं, वो सबसे हम बचा सकेंगे अपने देशवासियों को। और जो बच्चों के माध्यम से बड़े भी सीखते हैं वो उसका, यू नो, दैट्स इनवैल्यूएबल। अमिता कोचर।